हेलो एवरीवन, माय नेम इज मीत एंड यू आर वाचिंग टेक्निकल गवर्नमेंट जॉब ऑल ओवर इंडिया यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है बिकॉज आज हम बात करने वाले हैं लेटेस्ट वर्क फ्रॉम होम जॉब अपडेट के बारे में, जहां पर आप इंडिया में किसी भी सिटी या फिर स्टेट से बिलोंग करते हैं, एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात, बेस्ट सैलरी आपको कंपनी की तरफ से पे की जा रही है। इसमें बहुत ही रिप्यूटेड जॉब प्रोफाइल है, कोई फी पे नहीं करनी है, ना किसी टाइप का कोई आपका इसमें एग्ज़ाम होने वाला है, ना ही कोई एज की बाउंडेशन है। आप किसी भी एज ग्रुप में आते हैं ना, आप एलिजिबल हैं और अप्लाई कर सकते हैं। और एक बात और आपको ध्यान से ये समझ लेना है, अप्लाई कैसे करना है। अगर आपने अप्लाई प्रोसीजर समझ लिया, आपकी आधी प्रॉब्लम वहीं पर रिजॉल्व हो जाएगी और इसमें आपको 100% रिस्पॉन्स भी मिलने वाला है। हर चीज़ को मैं आपको स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर गाइड करने वाली हूँ। वीडियो को आपने कंप्लीट ज़रूर देखना है क्योंकि इसमें स्टेप बाय स्टेप मैं आपको ये भी बताऊँगी अप्लाई कैसे करना है। बाकी अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं, इसी तरीके से चाहते हैं हर एक अपडेट आप तक टाइम पर पहुँच जाए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक करना ताकि हर एक अपडेट आप तक टाइम पर पहुंच जाए। बाकी इस अपडेट के अलावा और भी काफ़ी सारे डिपार्टमेंट हैं जिनकी वैकेंसीज आ चुकी हैं। आप अपने क्वालिफिकेशन अपनी सिटी या फिर डिस्ट्रिक्ट के अकॉर्डिंगली हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.kalori.com पर विजिट करके इन्फॉर्मेशन लेकर अप्लाई कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, वेबसाइट आप देख भी पा रहे हैं। अगर आप इसको गूगल पे टाइप करेंगे तब भी फर्स्ट नंबर पे आपको हमारी ऑफिशियल साइट मिल जाएगी। चलिए ज़्यादा टाइम ना लेते हुए डायरेक्टली बात करेंगे लेटेस्ट वर्क फ्रॉम होम जॉब अपडेट के बारे में, जहां पर मेल फीमेल दोनों एलिजिबल है, दोनों अप्लाई कर सकते हैं। आप इंडिया में किसी भी सिटी डिस्ट्रिक्ट टाउन के रहने वाले हैं, एलिजिबल हैं और अप्लाई कर सकते हैं। अर्जेंट हायरिंग है, अप्लाई आपको अभी कर लेना है। बताऊँगी आगे किस तरीके से आपको अप्लाई करना है। सबसे पहले अगर यहाँ पर हम बात करें कौन कौन कैंडिडेट एलिजिबल है, तो हर कोई कैंडिडेट आप में से एलिजिबल। आप इंडिया में किसी भी लोकेशन से बिलोंग करते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पे कंपनी की बात करें तो कंपनी है जेनपैक, जो कि मल्टीनेशनल कंपनी है। हर बार इनकी तरफ से वैकेंसीज आती है और हर बार मैं आपके लिए अपडेट लेकर आती हूँ। हमारे चैनल पर काफ़ी सारे कैंडिडेट इसमें ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं और इसमें आपको भी अभी जाकर अप्लाई करना है बिकॉज आप में से काफ़ी सारे कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बेस्ट पैकेज आपको इसमें हमेशा प्रोवाइड किया जाता है और इस बार वैकेंसीज भी दो टाइप की आउट की गई है। काफ़ी सारे कैंडिडेट आप में से एलिजिबल रहने वाले हैं। कौन कौन सी जॉब प्रोफाइल है वो भी आगे मैं आपको इसके लिए बताऊंगी, लेकिन पहले आप ये समझ लो अप्लाई कैसे करना है बिकॉज आप में से 99% कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबल होने वाले हैं और अप्लाई कर सकते हैं। सो इसके लिए अप्लाई के लिए मैंने आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया है, आप उस पर क्लिक करेंगे न्यू इंटरफेस ओपन हो जाएगा। उसके बाद स्क्रॉल डाउन करेंगे, लास्ट में आपको देखने को मिल जाते हैं रिक्वायर्ड लिंक, जहाँ पे पहला लिंक आप देख पा रहे हैं जेनपैक रिक्रूटमेंट 2022 अप्लाई ऑनलाइन का लिंक 1 एंड लिंक 2। अब आपने मान लो पहली जॉब के लिए अप्लाई करना है, आप लिंक 1 पे ही क्लिक करेंगे। जैसे आप क्लिक करेंगे न्यू इंटरफेस ओपन हो जाएगा। उसके बाद टॉप में आपको दो ऑप्शंस देखने को मिल जाती है अप्लाई के लिए, पहली रजिस्टर टू अप्लाई, सेकेंड लॉगिन टू अप्लाई। अब आप फर्स्ट टाइम इसके लिए अप्लाई कर रहे हैं, ऑब्वियसली आपको फर्स्ट ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है जो कि रजिस्टर टू अप्लाई की है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको अपनी डिटेल्स को मेंशन करना है, अपना फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मिडिल नेम मेंशन करना है, उसके बाद अल्टरनेट कॉन्टैक्ट नंबर और अपना कॉन्टैक्ट नंबर अपना रिज्यूमे अपलोड करके सबमिट कर देना है। अब आपका सक्सेसफुल यहाँ पे रजिस्टर हो जाएगा। अब आपको लॉगिन हो जाना है यूज़र नेम पासवर्ड मेंशन करके अप्लाई ऑनलाइन के लिए। सारी डिटेल्स जो भी आपसे मांगी जा रही है वो आपको फिल कर देनी है। अगेन आपको अपना नेम मेंशन करना है, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, कौन से आपकी लोकेशन है, क्वालिफिकेशन क्या है, कब पास आउट किया है एंड अदर रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन फिल करके आपको इसमें सिंपली सबमिट कर देना है। जैसे मैंने आपको बताया है ऐसे ही आपको अप्लाई करना है, कोई अदर मोड अप्लाई करने का नहीं है, कोई अदर प्रोसीजर अप्लाई करने का नहीं, बस जैसे मैंने आपको बताया है ऐसे ही आपको इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर लेना है। नेक्स्ट हम इसमें बात करते हैं कौन कौन सी वैकेंसीज है जो इसमें आउट की जा चुकी हैं। तो इसमें सबसे पहले जो पोस्ट आउट की गई है वो है कस्टमर सर्विसेज की, जिसमें एज अ फ्रेशर काफ़ी बढ़िया अपॉर्चुनिटी आपके लिए आ चुकी हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले अगर हम वर्क की बात करें ना, क्या आपका इसमें वर्क रहने वाला है,
वैसे ट्रेनिंग आपको कंपनी की तरफ से इसमें प्रोवाइड की ही जाती हैं। तो इसमें आपको क्या करना है, जो कस्टमर की क्वेरीज है और कस्टमर का जो कंसर्न है उसको आपको रिस्पॉन्ड करना है, रिजॉल्व करना है ओवर द कॉल। ये आपका बेसिक इसमें वर्क रहने वाला है। इसके अलावा आपको कॉल करनी हो सकती है कस्टमर्स को एज पर रिक्वायरमेंट, ठीक है, जहाँ पर रिक्वायरमेंट है वहाँ पर आपको उनको कॉल करनी पड़ सकती है, जो भी उनके डाउट्स है या कंसर्न है बस उसको आपको क्लियर करना होगा। इसके अलावा क्लाइंट प्रोसेस एंड जो पॉलिसीज है उसको आपको डीपली अंडरस्टैंड करना है। एक्सीलेंट कस्टमर सर्विसेज प्रोवाइड करनी है इनके जो कस्टमर्स हैं उनको। नेक्स्ट हम इसमें बात करते हैं कौन कौन से स्किल्स रिक्वायर्ड है। तो इसमें आप में इफेक्टिव प्रॉब्लम स्किल्स होने चाहिए, इसके अलावा एनालिटिकल स्किल्स होने चाहिए, कस्टमर सर्विसेज स्किल्स होने चाहिए, मीन्स कस्टमर से किस तरीके से बात की जाती है, किस तरीके से उनको आप एक रेजोल्यूशन दे सकते हैं अगर उनका कोई भी कंसर्न है या उनको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है। तो ये आपका इसमें बेसिक स्किल्स रिक्वायर्ड है। अगर नेक्स्ट अगर हम पोस्ट की बात करें, जो सेकेंड पोस्ट है वो आउट की गई है प्रोसेस एसोसिएट कस्टमर सर्विसेज के लिए। इसके लिए अगर हम बात करें वर्क का आपका क्या रहने वाला है, सो इसमें भी आपका सेम ही वर्क रहने वाला है। आपको एक्सीलेंट कस्टमर सर्विसेज प्रोवाइड करनी है कस्टमर को। और स्किल्स की अगर हम बात करें, आप कंफर्टेबल होने चाहिए वॉइस प्रोसेस के लिए, वॉइस सपोर्ट एंड नॉन वॉइस प्रोसेस दोनों के लिए। अगर आप है आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बाकी अगर एलिजिबिलिटी की बात करें, एनी ग्रेजुएट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपने ग्रेजुएशन किसी भी डिसिप्लिन में की हुई है, आर्ट साइंस कॉमर्स किसी भी मतलब किसी भी डिसिप्लिन में आप एलिजिबल हैं और अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया वैसे ही इसके लिए अप्लाई करना होगा। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे बात करें आपकी सिलेक्शन कैसे होने वाली है, तो इसमें वर्क फ्रॉम होम वर्क फ्रॉम ऑफिस दोनों अवेलेबल है। जिसके लिए भी आपकी इसमें शॉर्टलिस्टिंग होती है जब आप अप्लाई करेंगे, उसके बाद आपके इसमें इंटरव्यू होने वाली है। ऑब्वियसली अगर आपके वॉक इन इंटरव्यू के लिए आपको बुलाया जा रहा है तो आपकी वर्क फ्रॉम ऑफिस रहेगी। अगर ओवर द कॉल आपकी इंटरव्यू रहेगी तो इसमें आपका वर्क फ्रॉम होम होगा। तो जिसके लिए भी आप इंटरेस्टेड है अप्लाई कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दी है। बाकी इसके अलावा और भी काफ़ी सारी डिपार्टमेंट की वैकेंसीज आ चुकी हैं। आप अपने क्वालिफिकेशन अपनी सिटी या डिस्ट्रिक्ट के अकॉर्डिंगली हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.glory.com पर विजिट करके इन्फॉर्मेशन लेकर अप्लाई कर सकते हैं। लिंक वेबसाइट का डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिया गया है, आप देख भी पा रहे हैं। गूगल पे टाइप करेंगे तब भी आपको साइट मिल जाएगी। चलिए अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक्स।